आज हम आपको बताने वाले हैं गूगल पे के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग को समस्या आती है गूगल पे के थ्रू। क्योंकि अगर किसी के पास अगर पैसा आप ट्रांसफर कर देते हैं, अगर आप उसे रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको रिफंड की ये सब जानकारी नहीं है। तो आज इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देंगे कि अगर किसी के पास भाई अगर गलतियों से आप अगर किसी के पास पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसे रिफंड आप लेना चाहते हैं तो कैसे आएगा और कैसे अपने अकाउंट में वापस रिफंड ले सकते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा आपको प्रोसेस बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कोई इससे समस्या ना आप कोई आपको समस्या ना हो। इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी ऐसे रिलेटेड वीडियो तुरंत आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्कीम पर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये गूगल पे है जो कि हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाता है। दिखने के बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ मिल जाती है सी ऑल पेमेंट एक्टिवेट। आपको सी ऑल पेमेंट एक्टिवेट यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ आपको क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे हमने क्लिक किया तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ दिख जाती है। हमें बहुत सारे यहाँ आपको पेमेंट कटा हुआ दिख रहा है, जैसे हम किसी किसी के पास ट्रांसफ़र किए हैं। करने के बाद और हमें क्या करना है कि अगर हम किसी के पास पैसा जैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अगर हम इसी के पास पैसा ट्रांसफ़र किए और इसको रिफंड लेना चाहते हैं तो इसे हम सिंपली ओपन कर देंगे। ओपन करते ही आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाती है। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं आप जिस डेट को ट्रांसफ़र पैसा करते हैं तो आपको यहाँ डेट मिल जाती है और यहाँ आपको टाइम मिल जाती है। आप यहाँ 6:44 में जो कि PM यानी रात में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है और 7 अप्रैल का पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद ही आपको ये ट्रांजेक्शन ID मिल जाती है, जो कि आपको ट्रांजेक्शन ID बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपको बहुत वैल्यू इसकी होती है। तो आप ट्रांजेक्शन ID आपको मिल जाती है। मिलने के बाद ही आपको पैसा अगर किसी कट गया, अगर किसी के पास ट्रांसफ़र हो गया तो आपको रिफंड लेना है। अगर ये आप मोबाइल से किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र किए हैं तो आपको बैंक के तो पता नहीं चलेगा कि आप किस बैंक में किए हैं और किस बैंक में नहीं। अगर आप अकाउंट नंबर IFC नंबर से और उनके नेम से डालते हैं तो उनको तो आपको पता चल जाएगा हमको इस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। तो हम आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा कि मोबाइल से अगर पैसा अगर किसी के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसे कैसे आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड तो चलिए उनको तो बैंक पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आप जिस बैंक के आप ये गूगल पे बनाए हैं, जिस पे मतलब आप गूगल पे बनाए हैं, तो आप उस बैंक में अपने बैंक में चले जाइए। अपने बैंक में जाते हैं तो आप उस पर पहले अपना डेट लिख लीजिए एक पेज पर डेट, उसके बाद आपको टाइम लिख लेना है, आप ये ट्रांजेक्शन ID जो कि आपको लिख लेना है, और उसके बाद बैंक में आपको ले जाना है और बोलना है कि सर मैं गूगल पे से किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, उसे हमको रिफंड लेना है। उसके बाद आप देते हैं जिसे, तो अपने सिस्टम पे यानी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपना चेक करता है। चेक करने के बाद ये आपको बताता है कि हमको ये पैसा आपको इतना ट्रांसफ़र इस बैंक में हुआ। अब उसको रिफंड लेने के लिए उसे कैसे आएगा, जब भी आप पैसा जो भेजे हैं उस पर आपको लॉक डाल दिया जाएगा, जैसे आपको उसको होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड करने के बाद वो या तो पैसा निकाल भी नहीं सकता है और नहीं उसके पैसा कोई काम के नहीं है, ठीक है। होल्ड करने के बाद ये फिर ये आपको बैंक कंप्लेन करते हैं उस बैंक पर कि ये मेरा ग्राहक है जो कि इस पर पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गई, उसको हम रिफंड लेना चाहते हैं। तो वो बैंक के लेटर लिखता है, ठीक है, उसको मतलब ऑनलाइन उसको करता है, उसके बाद वो फिर कुछ दिन के बाद आपको रिफंड कर देता है। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाती है, जितने आप पैसा ट्रांसफ़र किए उससे आ जाती है। तो यही बताना था, आप कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक में नज़दीकी बैंक में अपने चले जाइए और उसके बाद अपना वो ट्रांजेक्शन आईडी और डेट और टाइम उसको दीजिए, उसके बाद जितने पैसा आप भेजे होंगे तो उसको होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड करने के बाद उसको ना पैसा आप निकाल भी सकते हैं ना वो कोई वो उसे यूज कर सकता है, वो सिर्फ इसी को इसी जगह रहेगा, आपको वो कुछ यूज नहीं करेगा। उसके बाद आपको बैंक से संपर्क करता है उसको ऑनलाइन उसको, और उसके बाद उसका आपको रिफंड पैसा कर देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।